गलती तो ट्रेन की है ओलेट। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। पर तुम इतनी खुश क्यों हो अमाया? क्योंकि मेले में एक नई सवारी आई है, फेयरग्राउंड फ्लाइंग ट्रेन। मैंने कल ही उसे टेस्ट करते देखा, वो बहुत तेज है। ऐसा लगेगा हम उड़ रहे हैं। पता है, मुझे भी तेज जाना पसंद है। ज़ूम, ज़ूम, वाव। सभी इस ट्रेन में बैठना चाहते हैं। क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज सवारी है। चलो बैठ कर देखते हैं। हे, रुको। सुनो, हम यहाँ पहले आए थे, लाइन में आओ। अमाया भाइयों और बहनों, लड़कों और लड़कियों, अब आपके सामने फेयरग्राउंड फ्लाइंग ट्रेन। नहीं है, ट्रेन कहाँ पर है? वो कहाँ चली गई होगी? मैं कब से उड़ने की राह देख रही थी। पर इतनी बड़ी ट्रेन गायब कैसे हो सकती है? ट्रेन पटरी पर चलती है, सही कहा ना? वैसे तो इसमें उतार चढ़ाव है, पर फिर भी ये पटरी तो वापस यही आती है। तो वो पटरी से उतरकर और कहाँ जा सकती है? देखो, लगता है यहाँ पर और भी पटरियाँ थी, लेकिन अब वो नहीं है। गायब होने वाली ट्रेन की पटरियाँ? ये काम रात के विलन का ही हो सकता है। पीजे मास, हम आ रहे हैं रातों रात पिंक को बचाने। लो, हो गई रात और एक बहादुर हीरोज की टोली आ रही है पूरे विलन्स को आपका दिन बिगाड़ने से रोकने के लिए। जिसके टोले हर जगह मचाए शोले, वो है गेको। जिसकी है तेज दौड़, रोके ना कोई मोड़, वो है कैट बॉय। जिसकी है उल्लू की नजर, फिर भी दुनिया बेखबर, वो है आउलेट। चलो 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 ओवल ग्लाइडर की ओर। हे, रुको ओवलेट, अगर हम उन निशानों का पीछा करेंगे तो हमें जमीन पर ही रहना होगा। ठीक है, तुमने सही कहा, पर मैं चाहती थी तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है, तो हम सब कैट कार, पता है, चलो करते हैं। ये कितनी उतावली है। चलो दोस्तों चलते हैं। ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ, पर यहाँ कोई नहीं है। रुको आउलेट, गायब ट्रेन की पटरियों के निशान यहाँ हैं। भूल गई? अगर हम उसके पीछे गए तो ट्रेन मिल जाएगी। हाँ, चलिए चलो, चलो, चलो। रोमियो की लैब थी? वैसी ही दिख रही थी गेको, पर वो तो हर तरफ घूम रही है, शायद उसमें। दोस्तों, रोमियो को भूल जाओ, अगर वो उसकी लैब में है तो ट्रेन कैसे चलाएगा? और हमें ढूंढना है उसे कौन चला रहा है। चलो चलो चलो। ठीक है। हे। आगे पटरियां नहीं है, अब हम ट्रेन को ढूंढेंगे कैसे? उल्लू की नजर, मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ही तेज। वही है ट्रेन, देखा, मैंने कहा था ना वो तेज है। देखते हैं उसे कौन चला रहा है। रोमियो, ओ हेलो पीजे मास्क्स। पर तुम तो तुम्हारी लैब चला रहे थे ना? वो मैं नहीं था, उसे कोई नहीं चला रहा है। अजीब चीज है, खराब हो गई और अपने आप चल पड़ी। अच्छा है मेरे पास ये सुपर फास्ट ट्रेन है उसे पकड़ने के लिए। पर ये ट्रेन की पटरियाँ आई कहाँ से? आसान है, ये मैंने की हुई खोज है, पटरी मेकर। ये कहीं भी पटरी बना सकता है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। उससे भी अच्छा ये है, इसके पीछे वाला हिस्सा जो पटरियों को फिर से उठाता है। लेकिन रोमियो, तुम्हें इस ट्रेन की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी लैब पकड़ के देते हैं। हाँ, जैसे लैब मिलने के बाद मैं इस ट्रेन को छोड़ने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे लैब के औजारों से मैं इस ट्रेन को और भी तेज बना दूंगा। मैं दुनिया का सबसे तेज विलन बनूंगा। हाँ, तो तुम यहाँ हो मेरी लैब। बाय बाय पीजे मास्क, लगता है तुम्हारी ये ट्रेन छूट गई। हमें
उसे रोकना होगा। वो उस लैब की मदद से इस ट्रेन को और भी खतरनाक बना देगा। ठीक है आउलेट, हम आ रहे हैं रोमियो। ऑटो पायलट, बढ़िया। अरे वाह, ये ट्रेन तो बहुत शानदार है। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा शरारती लैब। वो पीजे मास्क मुझे रेंगती हुई कैट कार से कभी नहीं पकड़ सकते। चलो पीजे मास्क रोमियो को रोकते हैं। उल्लू के धातुपंख। आउलेट! ओह, मैं तो फंसने ही वाली थी। थैंक्स कैट बॉय। जल्दबाजी मत करो आउलेट, हम पहुंच जाएंगे। सुनो, बिना आवाज किए उसे धीरे धीरे जाकर पकड़ते हैं। धीरे से क्यों? चलो जाते हैं। आउलेट! मैं ठीक हूँ। कहीं वो पीजे मास्क मेरी ट्रेन पर खड़े तो नहीं है? है तो अभी गिराता हूँ। सॉरी दोस्तों, शायद रोमियो को पता चल गया कि हम ट्रेन के ऊपर हैं। कोई बात नहीं, नया आइडिया। हम एक साथ रोमियो के पीछे जाएंगे, वो हम तीनों को नहीं रोक सकता। ठीक है, तीन की गिनती पर हम भाग के कूद जाएंगे। एक, दो। चलो दोस्तों। आउलेट! नहीं रुको। क्यों नहीं सुनी कैट बॉय और गेको की बात? रोमियो लैब पकड़ने ही वाला है। क्यों मैंने जल्दबाजी कर दी? आउलेट! तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मुझे माफ करना, हर बार तुम प्लान बनाते हो और मैं जल्दबाजी कर जाती हूँ और सब चौपट होता है। कोई बात नहीं, तुम्हें बस ट्रेन में सवारी करने की जल्दी थी ना। फिक्र मत करो, मैं इसे संभालता हूँ। गेको के हाथ डोले। पर अब मेरे पास एक प्लान है और उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। हीरो बनने का वक्त आ गया। हाँ। मैं जानता था तुम सब अंदर हो पीजे मास्क, पर ज्यादा देर तक नहीं। जल्दी, तुम्हारा प्लान क्या है आउलेट? सबसे पहले हमें ट्रेन को रोकना होगा और ये सब हम साथ में करेंगे। कैट बॉय, तुम कूद कर कुछ पेड़ की डालियों को तोड़ो। गेको, तुम नीचे पटरी मेकर के पास ठहरो। मैं समझ गया आउलेट। फिर आएगी मेरी बारी, मैं वो डालियाँ तुम्हें दूंगी और तुम उसे पटरी मेकर में डालोगे पटरियों को रोकने के लिए। पटरियों के बिना ये ट्रेन रोमियो के लैब को नहीं पकड़ पाएगी। बढ़िया प्लान है आउलेट, शायद ये काम करेगा। अगर मैं तुम्हें पहले अपना काम करने दूं तब हो जाए पीछे मास। उप्स, याद रखो ऑवलेट, जल्दबाजी नहीं। तुम्हारी बारी कैट बॉय, मैं बस यहीं रुकती हूँ। अच्छा तो मेरे पटरी मेकर, और पटरियाँ और पटरियाँ। बिल्ली की धासू छलांग। आ गई मेरी बारी, बिल्कुल धीरे से। बहुत अच्छी आउलेट। अरे रुक जाओ पीजे पर्टन। देर कर दी रोमियो। गेको, जल्दी से पटरी मेकर में फंसा दो। नहीं। चिपकली की चपेट, सब लोग मुझे पकड़ लो। मैं इसे रोक लूंगा। गेको की धातु टोले। आ,
रहा रोमियो? मैंने कहा था ना हम लैब को पकड़ लेंगे। मेरी प्यारी लैब, वाह वाह वाह। मेरी ट्रेन भले ही छूट गई, पर तुम मेरे साथ हो मेरी प्यारी लैब। चलो अब इस ट्रेन को वापस ले चलते हैं। मेले में आने वाले लोगों को कितनी खुशी होगी। मैं तुम्हें अगली बार हराऊंगा पीछे मत। उसने मदद के लिए थैंक्स भी नहीं कहा। कोई बात नहीं गेको, हमने फेयर ग्राउंड फ्लावर ट्रेन को बचाया। पीजे बॉस मिलाओ हाथ, क्योंकि दिन को बचाया हमने रातों रात। ये चलो, अब वक्त हो ही गया है। मैं एक बार इस ट्रेन में बैठा हूँ, पर फिर भी मुझे इसकी सवारी दोबारा करनी है। ये सुनो, सबसे पहले तुम लोग जाओ। सच में थैंक्स अमाया। मैं रुक सकती हूँ, सवारी के मजे लो, वो बहुत तेज है।